स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। हर 15 अगस्त को भाई हमारे घर पे तो रिवाज है, एक तो झंडा लहराने का और दूसरा छोले भटूरे का नाश्ता करने का। छोले भटूरे एंड इंडिपेंडेंस डे जस्ट गो टुगेदर मैन, क्योंकि छोले भटूरे इन्वेंट हुए थे 1940s में, उसी वक्त जब हमारे देश को भी आजादी मिली थी। शायद तभी छोले भटूरे को हम सेलिब्रेशन फूड भी कहते हैं। तो आज मैंने फैसला किया है दिल्ली में मौजूद सारे छोले भटूरे के आउटलेट्स विजिट करने का और ये पता लगाने का कि दिल्ली में छोले भटूरे का असली बादशाह आखिर है कौन। अपने दिन की शुरुआत में करने जा रहा हूँ एक 100 साल पुरानी दुकान से, जिसको देखकर ऐसा लगता है कि यहाँ पे लोग भी 100 साल से ही काम कर रहे हैं। लोगों के नाम की चर्चा दूर दूर तक पहुंचती है, इनकी तो साला खुशबू पहुंच रही है और ऐसा लग रहा है मेरे को अपने पास बुला रही है। बुलाती है मगर जाने का। भैया एक 100 साल पुराने छोले भटूरे लगा दो। क्या बोला तूने? ये देखो यहाँ पर ए वाले सेक्शन में गर्मा गर्म भटूरे बनाए जा रहे हैं और इनके भटूरों की जो शक्ल है ना वो आपको काफी डिफरेंट लगेगी। इतने फ्लफी और मोटे मोटे भटूरे नहीं है बल्कि फ्लैट भटूरे हैं। अंडरग्राउंड, रियल अंडरग्राउंड ऑपरेशन देखेगा। देख भटूरे का आटा देख कहाँ तैयार हो रहा है, बेसमेंट में। अब इनके भटूरे जहां तक आप देखोगे ना तो यूजुअली आपने भटूरों की शक्ल कैसी देखी होती है, फ्लफी फ्लफी बड़े बड़े भटूरे होते हैं, लेकिन ये जो है फ्लैट भटूरे हैं, ओवल की शेप के भटूरे हैं। साथ में इनकी जो छोले की शक्ल है ना विच इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल छोला। साथ में इसको एक अकंपनी करते हैं विद सम प्याज और ये कचालू का अचार। नहीं कोई फीलिंग नहीं है, मुझे नहीं दिख रही है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे गाइस। The taste is really nice. इनके भटूरों से मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूँ, इनकी सब्जी से ज्यादा। आज ही बदल लिया सब्जी। एक्चुअली मैं ऐसी जैसे भंडारों में आपको आलू की सब्जी मिलती है ना, आप समझ लो भंडारों के छोले की सब्जी है। बिल्कुल ही होम लाइक टेस्ट, बहुत ही लेस ऑन स्पाइसेस और एक जो छोले भटूरों को खाकर जो किक मिलती है ना वो थोड़ी सी इसके अंदर मिसिंग है। मुझे इनका टेस्ट देखो ना ओवरऑल एवरेज रहा, लेकिन अभी इस वीडियो में और भी बहुत सारे धुरंधर है छोले भटूरे के, तो आप वीडियो के एंड तक बने रहो जानने के लिए कि कौन बनता है विजेता। और भाई खत्म करवाओ। देखा कैसे मैं पेमेंट करके आया और कितनी जल्दी पेमेंट हो गई, क्योंकि अमेजोन पे फास्टेस्ट मेथड है पेमेंट का। और तुम्हें पता है और क्या फास्ट है? तुम दोनों के छोले भटूरे खाने की स्पीड। गाइस आप आओ ना तो ऐसे भुखड़ों के साथ मत आना वरना आपकी प्लेट बचने नहीं वाली, ये मेरी रिकमेंडेशन। तो भाई अगली लोकेशन को हम इंट्रोड्यूस करें, उससे पहले आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई आपकी फेवरेट दुकान कौन सी है टू ईट छोले एंड भटूरे। मीनवाइल मैं आपको लेकर आया हूँ एक ऐसी दुकान पर जिसने मेरे ख्याल से छोले भटूरे के नाम को ही इजाद दिया है। प्रभु राम और माँ सीता का नाम केवल इसके नाम में नहीं विराजमान, ऐसा लगता है कि इनके टेस्ट में भी उन्हीं की कृपा है। प्रेजेंटिंग यू सीताराम दीवान चंद के छोले भटूरे ऑफ पहाड़गंज। क्वांटिटी देखो, किस क्वांटिटी में यहाँ पर छोले तैयार होते हैं और भटूरे तैयार होते हैं, मेरा तो दिमाग घूम गया। तो आप मेरे सामने देखो यहाँ पर इनके गर्मा गर्म भटूरे तैयार करे जा रहे हैं, जो कि तैयार तो यूजुअल तरीके से होता है लेकिन बाद में इसको तवे पे सेक कर ये लोग इतना डिलीशियस इतना टेस्टी बना देते हैं कि हद नहीं। आपके हिसाब से क्या आप दिल्ली के बेस्ट हो? अपने हिसाब से तो आई एम बेस्ट। मैंने जो भटूरे ऑर्डर कर रहे हैं ना वो देखो दो तरह आ गए हैं, पहला इनका तवे वाले भटूरे, दूसरे इनके जो कढ़ाई से निकलते हैं गर्मा गर्म वैसे वाले भटूरे। मीनवाइल आप मुझे बताना कि आपको सीताराम दीवान चंद के छोले भटूरे पसंद है या नहीं। लेट मी गिव इट अ ट्राई। देखो भाई एक चीज तो मैं बता सकता हूँ, बड़े से बड़े शेफ बड़े से बड़े सेलिब्रिटीज यहाँ पर आकर छोले भटूरे खा चुके हैं एंड द रीजन इज द छोले भाई, इट्स सो टेस्टी। जो पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए ना तो मैं फेवर करूंगा इस तवे वाले कॉन्सेप्ट के भटूरा को, मतलब इसके साथ इसका कॉम्बिनेशन लुक्स स्टनिंग। लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि दिल्ली में शायद इससे बेटर छोले कुलचे भी मिलेंगे। छोले भटूरे मेरी निकल गई, क्या बताओ। राहुल एक बात बता, तेरे चाचा जी क्या करते हैं? विधायक है। अबे ओ जाकिर खान की छठी कॉपी। तेरे और मेरे चाचा जी तो क्या ही करते होंगे जो इन चाचा जी ने कर दिखाया है, और इनका नाम है चाचे दी हट्टी विच इज इन कमला नगर। और गाइस आपको बताया कि पिछले 50 साल से इस दुकान को चला रहे हैं और 50 साल पहले जो लोग यहाँ पर आकर खाते थे ना आज उनके पोते भी यहाँ आकर ही खा रहे हैं। उनका टेस्ट चखते हैं और आपको बताते हैं कि क्या ये दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे बेच रहे हैं या नहीं। आओ भीड़ देखो गाइस, आज भी इतनी ही भीड़ है जितनी पहले हुआ करती थी, उसमें कोई चेंज नहीं है, मेरे ख्याल से टेस्ट में भी कोई चेंज नहीं है। वाओ अरे गाइस देखा, अमेजोन पे से पेमेंट करी और मुझे रिवॉर्ड भी मिल गए, पैसे उड़ा के पैसे कमाए भी जा सकते हैं, आज पहली बारी पता लगा है। अब इन छोले भटूरे के आप देखोगे ना तो 80 रुपए की एक प्लेट छोले भटूरे की है। आक्षी मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूँ, कैन यू प्लीज कम एंड हेल्प, कि ये छोले जो है आंट दे वेरी डिफरेंट फ्रॉम द यूजुअल छोले, या ये मुझे लग रहा है। नाइस
छोले इज वेरी टेस्टी, वेरी फ्लेवरफुल, तो सही है। लेकिन ये हमारा फाइनल विनर बनता या नहीं बनता वीडियो में आगे जानेंगे, तब तक बढ़ते हैं अपनी अगली लोकेशन पर। यार मुझे एक चीज समझ नहीं आती, एक सिंपल से डिश है छोले भटूरे, लेकिन कैसे उसका टेस्ट हर जगह पर अलग हो जाता है। आपको बताया गाइस, रोहिणी इतना बड़ा है और रोहिणी में रहने वालों का पेट इतना बड़ा है, और इसका कल्प्रिट है ये दुकान जिसका नाम है गोपाल जी के छोले भटूरे, विच इज इन रोहिणी। इनकी वो स्पाइसी से छोले, साथ में वो टैंगी साचार, मतलब आपको पता है बादशाह का वो गाना है ना, बेबी मरवा के मानेगी, वो इनके ही छोले भटूरों पे डेडिकेटेड है, क्योंकि उस समय बेबी ने गोपाल जी के छोले भटूरे खाए होते हैं। बस बस, ये और बकवास ना सुननी पड़े इसलिए कट करता हूँ मैं। सिंस मैं रोहिणी का रहने वाला हूँ, तो मैंने रोहिणी में गोपाल जी पे ना बचपन से छोले भटूरे खाए हैं। एक्चुअली जब हमने शुरुआत में खाए थे, एक 20 रुपए की प्लेट पे मैंने खा रखे हैं जितना मुझे याद है मेरे स्कूल टाइम पे। आज 120 रुपए की प्लेट है, लेकिन इनकी जो क्वालिटी है और जो शक्ल, जो अपीयरेंस है ना, वो पहले भी ऐसी थी और आज भी ऐसी की ऐसी है। लेकिन देखते हैं कि क्या ये दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे है या नहीं। अच्छा, हमारी आज के लिस्ट में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव छोले भटूरे हैं, इसका टेस्ट भी मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा यूनिक होना चाहिए। मेरा तो थोड़ा पर्सनल अटैचमेंट है गोपाल जी के छोले भटूरों के साथ, बट हम बायस नहीं होंगे, हम ऑनेस्ट रिव्यू देंगे। तो विनर जानने के लिए सब्सक्राइब कर लो चैनल को और वीडियो के एंड तक बने रहो। चलिए फिर इसी के साथ मिलते हैं आपसे अगली लोकेशन पर। पता है गाइस, Amazon Pay पे सिर्फ UPI पेमेंट्स नहीं, अगर मुझे बिल पेमेंट, रिचार्ज, फूड ऑर्डर या ट्रेन टिकट भी बुक करनी है तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। अब जल्दी हम लोग कोलकाता आने वाले, तो सोचा Amazon Pay से ही टिकट्स बुक कर दूं ताकि मेरे को रिवॉर्ड्स भी मिल जाए। और कौन कौन हमारी कोलकाता ट्रिप के लिए एक्साइटेड है कमेंट सेक्शन में बताना। देखो गाइस, मेरा मानना है कि छोले भटूरे जैसी डिश का दिल्ली के हर कोने में एक बादशाह बैठा है, और भाई वेस्ट दिल्ली का जो बादशाह है ना, वो है अपना रामा छोले भटूरे ऑफ तिलक नगर। भाई इनके छोले भटूरे ना वाकई में कड़क होते हैं, ऐसे ही थोड़ी वामिका के पापा को ये पसंद है। रिंकिया के पापा तो सुना था, वामिका के पापा कौन है? पूरा दिन इंस्टाग्राम चलाता रहता है, बस लड़कियां घूरता रही हो, है ना, मेरे को पता है मेरी जनता समझ गई होगी। अक्षी की तरह एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ, तिलक नगर के मैक्सिमम आदमियों को प्रेग्नेंट करने का क्रेडिट इनका है। और इनके छोले भटूरे के बारे में कुछ एक दो खासियत मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली इनके छोलों को ना डबल तड़का लगाया जाता है, और इनका अचार तो ऐसा है कि उसके लिए लोग स्पेशली आते हैं। राहुल तूने ही तो मेरे को बताई थी, सर्दियों और गर्मियों में अलग अलग अचार मिलता है। हाँ, इनके छोले भटूरे इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस भटूरा, पंजाबी स्टाइल, ऑथेंटिक पंजाबी स्टाइल छोले भटूरे वाली शेप है इनके अंदर। इनकी छोले भटूरे की प्लेट का प्राइस था 100 रुपए, देख रहे हैं बाकी को बीट कर पाते हैं नहीं। भाई मैंने जितनी तरह के छोले भटूरे अभी तक ट्राई करे हैं ना, उनमें से दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। और मेरे ख्याल से अगर लिस्ट यहीं पर खत्म हो जाती तो शायद ये विनर बन सकता था, लेकिन अभी लिस्ट में और चीजें बची हैं। लेकिन इस वीडियो में विजेता कौन बनता है जानने के लिए बने रहे, मिलते हैं आपसे अगली लोकेशन पर। सिविल लाइंस पर भागती भूतनी की स्टोरी के अलावा अगर कुछ फेमस है तो वो है सिविल लाइंस वाला के छोले भटूरे। अबे वो चुड़ैल आईटीओ पर भागती है। आईटीओ पर भी भागती है, दोनों बहने होंगी। और पता है गाइस, विराट कोहली भी यहाँ के छोले भटूरे का फैन है, उन्होंने कई इंटरव्यूज में इनका मेंशन भी किया है। तो मेरे को ये समझ नहीं आता, राजौरी गार्डन, सिविल लाइंस, चटोरा ही है दिल्ली वाला। राहुल सबसे पहले वो देख मेरे सामने भटूरे को तेल पिला रहे हैं यार, ये बात तो है बहुत ही लेस ऑयली होने वाला है, मजा आएगा। देखो गाइस, भरी दोपहरी 2 बजे इस दुकान पर इतनी भीड़ है जितनी आप इमेजिन नहीं कर सकते, और 40 डिग्री टेम्परेचर, अभी इतनी कड़कती धूप पड़ रही है, लेकिन लोग फिर भी चाव से इनके छोले भटूरे खा रहे हैं। लेकिन चलो हम भी टेस्ट करते हैं कि सिविल लाइंस के छोले भटूरे एक्चुअली में टेस्ट कैसे करते हैं। लेट्स ट्राई। छोले तो बढ़िया लग रहा है, प्रॉमिसिंग तो लग रहा है भाई, शक्ल से कसम से। पहली चीज जो बहुत अच्छी लग रही है वो है छोलों के अंदर जो देसी घी का फ्लेवर आ रहा है। ये पहली दुकान है जहां पर मुझे ये टेस्ट मिला है छोलों में, बहुत ही हाई क्वालिटी चीज लग रही है, इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं। लेकिन वही बात है, जो भटूरों के अंदर का रबरीनेस है ना, वो थोड़ा सा टेस्ट को खराब कर रहा है। मतलब मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैंने इससे बेटर छोले भटूरे इस वीडियो में खा लिए हैं। अब मिलते हैं आपको विनर अनाउंसमेंट में। And now the winner announcement, Rahul, drum rolls please. And the winner is सीता राम दीवानचंद के छोले भटूरे। मैं आपको रीजन बताऊंगा, मैं आपको एक क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दूंगा क्यों। मैंने 6 locations विजिट करी, उनमें से 5 पे ना मैं एक भटूरा खाया, बाकी मैंने गिवअप कर दिया। लेकिन वो एक लौती दुकान थी जहां पर हमने 1-2 भटूरे एक्स्ट्रा लेकर खाए, भाई वो इतने टेस्टी थे। अगर आपकी भी राय मेरी राय से मैच खाती है तो कमेंट सेक्शन में बताना। और देखा मैंने आपके लिए दिल्ली के बेस्ट छोले भटूरे ढूंढना कितना आसान कर दिया, और इसी तरह Amazon Pay पे भी हर
त्योहार अब हुआ आसान। चाहे फूड बिल, यूटिलिटी बिल, ट्रैवल प्लानिंग और भी बहुत कुछ, आप भी ये सब की पेमेंट करने के लिए अमेज़न पे को यूज करें और अपने त्योहार को इसी तरह आसान बनाएं। इसी के साथ मैं भी आपसे अलविदा लेना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर एंजॉयिंग द वीडियो। आशा करता हूँ आपका 15 अगस्त मैंने इस वीडियो के थ्रू सफल कर दिया।